हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो स्टूडेंट्स, आज आप सभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं IUPAC नेम कैसे निकालें। ओके, कार्बनिक यौगिकों का नाम तंत्र, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का जो IUPAC नेम होता है उसे कैसे निकाला जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, IUPAC का फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, ये हो गया इसका नाम। तो IUPAC नेम जो होता है ये साधारणतः क्या आज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनको देखकर, ठीक है, जिनकी श्रृंखलाओं को देखकर या उनके आकृति को देखकर हम आसानी से IUPAC के द्वारा उनका नाम जान सकते हैं, ठीक है, कि वो कौन सा कंपाउंड है। ओके, ये दो तरीके के होता है, एक होता है जिसे आकृति वाला, ठीक है, और एक होता है श्रृंखला वाला, ठीक है। जैसे कि इस तरीके का सीधा दिया रहता है, इसमें कार्बन की श्रृंखला दी रहती है। ओके, और उसमें जो होता है उसमें आकृतियां दी रहती हैं। एक होता है जिसमें आकृतियां इस तरीके के ऐसे दिया रहता है। ओके, तो हम आज इस वीडियो में केवल इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, जो इसका बेसिक होता है। इसको आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सीख गए तो आप सेकंडों में जो होता है IUPAC नेम निकाल पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं। IUPAC जानने के लिए सबसे जो बेसिक होता है ये है ये चीज़। ओके, जिसमें C1 को कहते हैं मेथ। ओके, ये चीज़ आप अपने दिमाग में एकदम से बैठा लीजिए। तो C1 को कहते हैं मेथ। ओके, जिसमें कार्बन की, यानी कि जिसमें कार्बन की जो एक ही श्रृंखला होगी, ठीक है, जिसमें कार्बन केवल एक ही होगा उसे उसमें उसको कहेंगे मेथ। और जिसमें कार्बन दो उपस्थित होगा, ओके, जिस कंपाउंड में कार्बन की उपस्थिति दो होगी उसे हम एथ कहेंगे। अगर आप इसे इंग्लिश में सीख लेते हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें जो अनुलग्न होते हैं, जो सफिक्स होते हैं, वो इंग्लिश में आपको जो हटाने और जोड़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो जहाँ पर कार्बन की उपस्थिति तीन होती है, जिस कंपाउंड में कार्बन की उपस्थिति तीन बार होती है उसे प्रोप कहते हैं। जहाँ पर कार्बन की उपस्थिति चार बार होती है उसे ब्यूट कहते हैं। ये बट नहीं है, ये ब्यूट है। और जहाँ कार्बन की उपस्थिति पांच बार होती है उसे पेंट कहते हैं। जहाँ पर कार्बन की उपस्थिति छः बार होती है उसे हेक्स कहते हैं। सात बार होगी तो हेप्ट कहेंगे, आठ बार होगी तो ऑक्ट कहेंगे, और नाइन बार होगी तो उसे नॉन कहेंगे, टेन बार होगी उसे डेक कहेंगे, ठीक है। यानी कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। ये टेन बार आपको, ये टेन बार जो होता है इसे आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि टेन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं जो इनके सजातीय समूह होते हैं। दूसरा नंबर आपको ये याद रखना होगा कि इनके सजातीय समूह कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग 10 ही लिए हैं सजातीय समूह, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह एकदम बेसिक, अगर आप इसे जान गए तो आप IUPAC नेम सेकेंडों में निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला जो इसका सजातीय समूह है वो है एल्केन। ओके, ये एल्केन जो होता है इसी से मेथेन बनता है, ओके, और प्रोपेन बनता है, ब्यूटेन बनता है। इस तरीके के जो सफिक्स को एन जोड़ करके हम मेथ में ये जो होते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक रूल है इसका, ठीक है, कार्बन की उपस्थिति का। और यहीं से हम इसमें अगर सफिक्स एन जोड़ेंगे तो यही बन जाता है मेथेन। ओके, तो इसका आप सूत्र पहले एल्केन का जान लेते हैं। ये एल्केन, एल्केन है, एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि अगर हम CN की जगह पर हम एक रख देते हैं तो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा, ठीक है, जो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा C1 और H2 और 2 × n 1+2। यानी कि इसका सूत्र क्या होगा, C1 आप लिखिए या ना लिखिए, 1 की उपस्थिति वहां पर रहेगी, ठीक है, तो 2 और 2 4, ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पर हमें मेथेन प्राप्त होगा। ओके, अब इससे हम जान गए कि 1 है तो मेथेन होगा, ठीक है, कहाँ, अनुलग्नक को जोड़कर और घटाकर। इसे अभी आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, आपको जब IUPAC नेम को निकलवाएंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे सफिक्स को हटाया जाता है और कैसे सफिक्स को जोड़ा जाता है। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्नक। और इसमें जो इसका क्रियात्मक समूह होता है जिसमें बॉन्डिंग 1 होती है, एल्केन में जो होती है 1 बॉन्डिंग होती है, ये देख सकते हैं आप, एक ही बॉन्डिंग होगी, ठीक है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एक ही बॉन्ड होगा।
अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे जब आईपीएससी नेम होगा, उसकी पूरी संरचना बनाएंगे। ओके, और एल्कीन में जो होगा, एल्कीन में इसका सूत्र ये होता है NCNH2N। अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की जगह पर 1 नहीं लिखा जाता है और H2 यानी कि CH2 इसका हो जाएगा। यही चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें में ये CH2 जो होता है कॉमन होता है। अगर हम जैसे कि हमें यहाँ पर CH4 प्राप्त हुआ है, अब अगर हम इसे इसी में जोड़ेंगे एल्केन वाले भाग में CH2, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, ये तो मेथेन था। ओके, लेकिन एथेन बनाने के लिए हमें CH2 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मेथेन। ओके, अगर अब इसी तरीके से इसमें अगर अब यहाँ पर हम 2 लेते हैं, ये तो भाग हुआ एल्कीन का, अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो ये बन जाएगा C2H4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के अगर इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो 2 बॉन्डिंग होती है। इसे पहचान करने की यही एक बेस्ट तरीका है कि अगर जहाँ पर बॉन्डिंग आपको 2 दिखे, ओके, जहाँ पर बॉन्डिंग 2 दिखे वो है एल्कीन कीन, ओके, और जहाँ पर बॉन्डिंग 1 दिखे उसे कहते हैं एल्केन। और एल्काइन होता है, इसका सूत्र ये होता है CnH2n-2। ओके, अगर इसे 1 रख कर आप देख लीजिए, आपको एक कंपाउंड जरूर प्राप्त होगा। और इसे पहचानने की एक ही विधि है, जहाँ पर होता है 3 बॉन्डिंग होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। ओके, इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना तो बनता है, ठीक है। तो इसको पहचानने की केवल एक ही सबसे आसान विधि है, वो है इसकी बॉन्डिंग को देखकर। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 ही बॉन्डिंग है, इसीलिए ये एल्काइन हुआ, ठीक है। अब चौथा जो होता है ये होता है एल्किल ग्रुप एक होता है, ठीक है। इसमें जब एल्किल ग्रुप का जो चिन्ह होता है वो होता है R, ठीक है। या ऐसे R आगे 1 बॉन्डिंग होगी और R लिखा होगा। R का मतलब होता है यहाँ पर CH3, ठीक है। इस तरीके का जो होता है CH3, R को जोड़ करके हम एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और आगे के जितने भी ग्रुप होते हैं उन्हें हम बनाते हैं। ओके, तो ये जो होता है, ये मान लीजिए ये बेसिक होता है इन सभी चीज़ों का। ये जो और आपको मिलेंगे इनका भी ये बेसिक होता है और इसका भी बेसिक होता है, ये इतनी चीज़ें। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। याद करने का एकदम सरल तरीका आपके सामने है कि 1, 2, 3 इसी तरीके से होता है। ओके, तो इसका जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है। और अगर इन सभी चीज़ों का जो बेसिक होता है वो ये 4 चीज़ें होती हैं। ओके, अब हम यहाँ पर एल्कोहल की बात करेंगे। तो एल्कोहल का सूत्र आपके सामने है CnH2n+2 और O, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है ये 1 बॉन्डिंग करके OH होता है। ओके, जहाँ पर OH होता है, जब हम किसी एल्किल ग्रुप में लगा देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर CH3 यानी कि ROH। ओके, यहाँ पर हमने एल्किल ग्रुप लगा दिया CH3OH। CH3OH का क्या मतलब हुआ, ये है मेथेनॉल। इसका जो IUPAC नेम हुआ वो हुआ मेथेनॉल। ओके, ये मेथेनॉल हो गया एल्कोहल ग्रुप का। अब हम बात करेंगे छठा, एल्डिहाइड ग्रुप का। एल्डिहाइड में होता है CHO। CHO इसका क्रियात्मक समूह होता है, इसे यही इसकी पहचान है। जो इसके क्रियात्मक समूह होते हैं वही इसकी पहचान होते हैं। तो यहाँ पर CHO ऐसे बॉन्डिंग करके CHO लिखा होगा, तो ये इसकी पहचान होगी, ठीक है। इसका सूत्र CnH2nO होता है, ठीक है। तो इस तरीके का इसकी पहचान हो गई। अब जो CH3, ठीक है, यहाँ पर भी R लगा है, देखिए एक में तो नहीं लगा है। ये जो इसका ये बेसिक होता है, ठीक है, ये एल्डिहाइड का बेसिक होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ओके, ये इसका बेसिक नेम होता है। और इसके बाद जितने भी चीज़ें लगेंगी वो R में लगेंगी, RCHO। देखिए R का मतलब होता है एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है। R की जगह पर केवल एथिल ही नहीं रहेगा, R की जगह पर एथिल, मेथिल, ठीक है, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो मेथिल की जगह पर एथिल आ गया, तो ये हो गया एथिल डिहाइड। ओके, तो ये हो गया एथिल डिहाइड, और ये है मेथिल डिहाइड, ये है फॉर्मल डिहाइड। ओके, अब जो सातवां आपके सामने है वो है कीटोन। कीटोन ग्रुप होता है जिसका जो सूत्र होता है वो इसी के बराबर होता है CnH2nO। ओके, लेकिन इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो
चेंज होती है। इसकी बॉन्डिंग कुछ इस तरीके का होता है, इसका जो क्रियात्मक समूह, इसकी जो पहचान होती है, जहाँ पर सी जो होगा वो ओ के सामने होगा और यहाँ पर इस तरीके का इकट्ठा होगा। ओके, इसकी जो बॉन्डिंग होगी इस तरीके की ओन ग्रुप की होगी, ठीक है, कीटोन ग्रुप की जो होगी वो इस तरीके की बॉन्डिंग होगी और एल्डिहाइड की इस तरीके की। तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी जो लगा होता है वो सी ओ के बीच में लगा होता है आर, ठीक है, इस तरीके से आर सी ओ और आर। आर का मतलब मेथिल। इसका जो आई पी एस सी नेम होगा ये सी ओ सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री, इसका जो आई पी एस सी नेम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अगर वन और टू और थ्री, ठीक है, तो वन टू थ्री यानी कि टू प्रोपेनॉन। ओके, तीन पर क्या है, प्रोप है, तो प्रोपेनॉन, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा कि आई पी एस सी कैसे निकालते हैं। आठवां जो है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एच सी एच ओ ओ एच होता है, ठीक है, जिसमें एसिटिक एसिड आता है। इसका जो क्रियात्मक समूह यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ऊपर ओन वाला ग्रुप भी होता है, देख सकते हैं ये सी ओ के ऊपर ओ और ओ एच, ठीक है, जहाँ पर एल्कोहल वाला भी होता है और ओन वाला भी उसमें जुड़ा होता है। और नाइन नंबर जो है एस्टर, एस्टर ग्रुप होता है जिसमें, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आर लगा रहता है, ठीक है, सी ओ ओ और आर, आर की जगह यानी कि ऐसे होता है सी ओ ओ और सी ओ ओ और सी एस थ्री, ठीक है, यानी कि मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी लग सकता है। ओके, दसवां जो होता है एक ईथर होता है जिसके बीच में जो होता है ओ और आर की बॉन्डिंग होती है इस तरीके से, जैसे कि सी एस थ्री ओ सी एस थ्री इस तरीके के, ठीक है, यानी कि आर और ओ आर इस तरीके का। बात कर लेते हैं इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स की। सफिक्स यानी कि अनुलग्नक, ठीक है, सफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स की। ओके, सफिक्स मतलब अनुलग्नक और प्रीफिक्स का मतलब कि प्री यानी कि पूर्व अनुलग्नक जो होता है, जो पहले आता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स जो उसके बाद में आता है। जैसे कि अगर हमने मेथेन लिया एग्जांपल के तौर पर, मेथेन, मेथेन का फार्मूला होता है CH4। ओके, इसके उदाहरण से आप समझेंगे और आसानी होगी आपको समझने में। तो हमने ये उदाहरण लिया, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, मेथ। ये जो मेथ है, मेथ क्या है, मेथ आपका प्रीफिक्स है, यानी कि जो पूर्व अनुलग्नक जो पहले आता है उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये जितने भी थे ये प्रीफिक्स हमने आपको बताए दस। उसके बाद इसमें एन बचा है, एन क्या हो जाएगा, आपका सफिक्स हो जाएगा। ओके, एन जो हो जाएगा वो आपका सफिक्स हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये चीज़ें जो है एकदम बेसिक है निकालने के लिए आई पी एस सी नेम, और ये हो जाएगा सफिक्स। ओके, इन दोनों को जोड़ करके हम बनाते हैं एक क्रियात्मक समूह बनता है, और इन्हीं को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं उसका IUPAC। हमें ये IUPAC का पूरा नहीं याद रहता तो हम इसे क्या कह देते हैं, आयोपैक, ठीक है, आयोपैक, आयोपैक नेम हम इसे कहते थे। तो ये हुआ सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। अब हम इसी के आधार पर सारी चीज़ें ज्ञात करेंगे, जैसे कि किसी भी एग्जांपल को ले लेते हैं। एक एग्जांपल इन्हीं दसों में से, जो दस आपको मैंने बताए हैं सजातीय श्रेणी के समूह, ओके, तो इन्हीं से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या होगा, क्या लें बताइए, आप भी अपना एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले एक साधारण सा इसी एल्केन ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का ले लेते हैं, कौन सा, CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। अब ये हम इसी से IUPAC आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप चाहे जिधर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, किसकी गणना की, किन के, कार्बन की गणना की। उससे पहले आपको बता दूं, कार्बन की जो, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता चार होती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है
ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6। ठीक है, अगर ये चार ग्रहण करेगा तो इस पे सी माइनस का चार्ज लगेगा। किसको प्राप्त करने के लिए? नियान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नियान का 10 होता है, इसका 6 होता है। ओके, तो इसे जब प्राप्त करेगा तो यहाँ पर चार वैलेंसी इससे लेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जब ये देगा हीलियम को, ओके, अब इसके बराबर होगा जब हीलियम, ठीक है, जब हीलियम इसके बराबर होगा, हीलियम इससे लेगा फिर, ठीक है, हीलियम इससे लेगा तो इसके पास 4 वैलेंसी जो हो जाएंगी वो निगेट प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, 4 वैलेंसी जो हो जाएंगी वो प्लस की हो जाएंगी। ओके, तो ये इतनी चीज़ें हुई, ये इसके बेसिक है। तो कार्बन की आपको ये याद रखना है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। 4 यानी कि इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो इस तरीके के होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो इसे हम स्ट्रक्चराइज करें कि नहीं, इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का। ओके, आपको ऐसा कोई नहीं बताने वाला है, इससे सरल तरीका। अगर आप और कुछ भी केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे बताने की कोशिश अवश्य करूंगा, कोशिश नहीं बता ही दूंगा। ओके, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। ओके, अब इसे हम काउंट करते हैं। देखिए, एल्केन ग्रुप में तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यह है एल्केन ग्रुप का, जहाँ पर एक बॉन्डिंग होती है वह होता है एल्केन ग्रुप का, हमने आगे बताया है आपको। तो इधर हम चाहे जिधर से काउंटिंग इसकी कर सकते हैं, तो चलिए इधर से कर देते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो कार्बन की उपस्थिति कितनी है वो है 5 बार। ओके, 5 बार यहाँ पर कार्बन की उपस्थिति है, तो हम किस प्रीफिक्स में जाएंगे? तो हमारा प्रीफिक्स जो होगा वो 5वां होगा, ठीक है, C5 ये वाला होगा, यानी कि पेंट में जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे? पेंट, लिखिए पेंट, पेंट हो गया। अब इसी में हमें क्या जोड़ना है? हमें इसी में सफिक्स भी जोड़ना है। प्रीफिक्स हमने पेंट लगाया, अब सफिक्स हमें इसमें जोड़ना है, वो है एल्केन का एन वाला, ये एल्केन का एन वाला, ये वाला सफिक्स हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पेंटेन। इसके आगे आप एन भी लिखा देखे होंगे, ठीक है, यानी कि एन पेंटेन। ओके, ये हुआ इसका एग्जांपल। देखिए, अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे एल्कीन वाले ग्रुप से, एल्कीन वाले ग्रुप से हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, वो कैसे होगा? CH3 CH2 CH और CH3, ठीक है, इस तरीके का। अब हम यहाँ पर आप एक और लगा लीजिए, ओके, यहीं पर तो लगेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाकर आप इसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो है सही है या नहीं, तो इसे आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इस तरीके का। ओके, तो यहाँ पर तो एक ही होगा, यहाँ पर भी एक ही होगा, और यहाँ पर जो बचा तो ये हमें क्या लग रहा है? ये तो गलत है, ठीक है, ये जो है ये गलत है, इसे अब सही करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही रूप होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से H, ठीक है, और H, यानी कि ये जो बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं यहाँ पर होगी। ओके, आप भी ऐसा कर पाएंगे, यानी कि ये जो है एग्जांपल आप सही हुआ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, यानी कि यहाँ पर हमारी जो कार्बन की बैलेंसी वो 4 सही आ रही है। तो यानी कि ये हुआ हमारा एग्जांपल दूसरा, जो है एल्कीन का हमने दिया है, जहाँ पर 2 बॉन्डिंग होंगी वहाँ पर एल्कीन ग्रुप का होगा। अब हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ पर जो होगी हम गणना करेंगे, सबसे पहले हम गणना करेंगे कार्बन की, वो किधर से? तो जहाँ पर आपका जो ये एल्केन का ग्रुप, ठीक है, जहाँ पर बॉन्डिंग सबसे पहले आती है,
ठीक है, जहाँ पर बॉन्डिंग जो है सबसे पहले आती है, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो एक, दो, तीन और चार, ठीक है, एक, दो और तीन, चार। तो यहाँ पर आप कैसे इसका लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा वन। ओके, वन पर है हमारा डबल बॉन्डिंग। ओके, वन पर हमारा डबल बॉन्डिंग है, यानी कि वन पर हमारा जो एल्कीन है वो ग्रुप उपस्थित है। तो वन, उसके बाद ऐसे, उसके बाद आप कितने हैं, चार, तो ये जाएगा चार कार्बन की उपस्थिति, तो ये जाएगा ब्यूट में। ओके, चार ब्यूट, चार ब्यूट, ठीक है, वन ब्यूट, चार का हो गया ब्यूट, और वन ब्यूट, और किस में जाएगा, इन में, वन ब्यूट इन, इस तरीके का भी लिख सकते हैं, या आप इसे वन ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इस तरीके से भी लिखना है या इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हुआ ये एल्कीन ग्रुप का। अगर आप इसे एल्काइन ग्रुप में देखें, ठीक है, यानी कि तीसरा एग्जांपल जो होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर से इस तरीके से, ये हुआ हमारा एग्जांपल। इसे अगर हम कन्वर्ट करें उसमें, ठीक है, CH3 CH2 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 और C and triple bonding and इतना। ओके, ये हुआ हमारा क्या, ये हुआ हमारा एग्जांपल। अब इसे हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पर हमें बॉन्डिंग, जो ज़्यादा बॉन्डिंग मिलेगी वहीं से हम क्या करेंगे, इसकी गणना शुरू कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सेवन बार जा रहा है, सेवन बार उपस्थिति है, और किस पर, ये बॉन्डिंग वन पर हुई है, तो वन लिखेंगे हम यहाँ पर, वन और सेवन, सेवन को कहते हैं हेप्ट, हेप्ट, और ये कितना है, आइन में। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वन हेप्ट, वन हेप्टाइन, ठीक है, या इसे आप इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, वन हेप्टाइन, ठीक है, ये हुआ इसका IUPAC नेम। ओके, तो आपने जाना IUPAC का नामकरण कैसे करते हैं। अगर आपको और सारे ग्रुप का एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अगली वीडियोस पर बताऊंगा। अगर आपको स्ट्रक्चर जो इस तरीके से, जो रेखा वाली होती है इस तरीके से, ये सारी अगर आपको जाननी है, ओके, इस तरीके से जितनी भी होती हैं, ठीक है, तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर आपको बना कर दूंगा। ओके, तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ, नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें आपके एग्जाम साथी।